नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। राज्यसभा सांसद मनोज झा के ठाकुर वाले बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में बहस के दौरान मनोज झा ने ठाकुरों को लेकर एक कविता पढ़ी थी, जिसके बाद आरजेडी में दो फाड़ देखने को मिली और आरजेडी एमएलए चेतन आनंद ने अपने ही सांसद को खरी खोटी सुनाई। आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने मनोज झा पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी और इसके साथ ही जेडीयू और बीजेपी ने भी मनोज झा पर सवाल खड़े किए हैं। तो देखिए किस तरीके से अब यहां पर राज्यसभा सांसद मनोज झा के ठाकुर वाले बयान को लेकर सियासत लगातार मची हुई है, खासतौर पर बिहार में महिला आरक्षण बिल पर। दरअसल राज्यसभा में बहस के दौरान मनोज झा ने ठाकुरों को लेकर एक कविता पढ़ी थी, जिसके बाद से आरजेडी में अब दो फाड़ देखने को मिली है और आरजेडी एमएलए चेतन आनंद ने अपने ही सांसद को यहां पर खरी खोटी भी सुनाई है। वहीं आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने मनोज झा पर निशाना भी साधा है और उन्होंने कहा कि ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी और उसके साथ ही जेडीयू और बीजेपी ने भी मनोज झा पर सवाल खड़े किए हैं। तो देखिए किस तरीके से लगातार यहां पर सियासत हो रही है और राज्यसभा में उस वक्त महिला आरक्षण को लेकर लगातार बहस चल रही थी जब ये पूरा वाकया हुआ। समझ लेना चाहिए कि ये सब चीजें जो है समाजवाद को पसंद नहीं है। समाजवाद सबको एक साथ लेकर के चलता है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे, कुछ भी चीज अगर है जो हमको पसंद नहीं आएगी उसके बारे में हम खुल के बोलेंगे। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाएं और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहें। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है। और वहीं ठाकुरों पर दिए गए बयान को लेकर जेडीयू ने भी मनोज झा पर निशाना साधा है। जेडीयू ने मनोज झा के बयान को शर्मनाक और निंदनीय बताते हुए उनसे माफी की मांग की है। मनोज झा जी एक प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, राजद के प्रवक्ता हैं, सांसद हैं। उनके द्वारा ऐसे ठाकुरों के प्रति इस तरह के जो वक्तव्य का प्रयोग का हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं उनका, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनसे अगर स्लिप ऑफ टंग हुआ है तो आशा करते हैं कि वो सार्वजनिक माफ़ी मांग ले, नहीं तो राजद का शीर्ष नेतृत्व इस मामले को देखे। क्योंकि हम समाजवादी लोग जमात की राजनीति करते हैं, जात की राजनीति नहीं करते हैं। तो देखिए किस तरह से अब ठन गई है और इसे लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। इस बीच बीजेपी ने भी आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान पर मोर्चा खोल दिया और आरजेडी से मनोज झा को पार्टी से निकालने की मांग भी की। मनोज झा ने जिस तरह से ठाकुरों के विरुद्ध में कविता पढ़ी है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उनको पता नहीं है कि श्री राम के वंशज, महाराणा प्रताप के वंशज, पृथ्वीराज चौहान के वंशज, महारानी लक्ष्मीबाई के वंशज को इस तरह से गाली देना, अगर भारत के इतिहास से ठाकुरों का नाम हटा दिया जाए तो यह देश इतिहास विहीन हो जाएगा। लेकिन ठाकुरों को अपमानित करना यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं राष्ट्रीय जनता दल में अगर थोड़ा सा भी स्वाभिमान बचा है तो उनको पार्टी से निकाला जाए। देखिए मनोज झा जी का बयान जो है वो काफी चिंताजनक और दुखद बयान है और इस बयान से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये बयान पूरी तरह प्री प्लान्ड बयान है और लालू जी के निर्देश पे इस तरह का बयान दिया गया है। वो कह रहे हैं कि हमको अपने अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आपके अंदर में ठाकुर है इसका मतलब राक्षस है? अगर वो कहना चाहिए उनको कि हमको अपने अंदर के रावण को मारना चाहिए, हमको अपने अंदर के राक्षस को मारना चाहिए। आप ठाकुर को उस जगह रख करके कहें के ठाकुर को टारगेट करके ठाकुर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर ठाकुर नहीं होते तो यह देश नहीं बसता। इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं, इस देश का नाम मुगलिस्तान होता। ठाकुरों के बल पे यह देश हमारा सही सलामत है, ठाकुरों के बल पे यह देश हमारा बचा हुआ है, ठाकुरों के बल पे यह देश हमारा आजाद हुआ है, ठाकुरों की कुर्बानी इस देश के लिए है, तब यह देश जाके सही सलामत है। तो तमाम प्रतिक्रियाएं अलग अलग दलों की ओर से यहां पर सामने आ रही हैं और पार्टी में मचे बवाल पर आरजेडी की तरफ से अब बयान भी सामने आ गया है। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि मनोज झा की लाइन ही पार्टी की लाइन है। वो कविता दबंगई के खिलाफ है। वो दबंगई संस्थानों में है, वो दबंगई हर जगह है और वो दबंगई का भाव अगर आपके अंदर है, मेरे अंदर है, उनके अंदर है, इनके अंदर है, तो उस भाव का प्रत्याग करना चाहिए, हटाना चाहिए, निकालना चाहिए।
ठाकुर को लेकर जो भी बिहार में बवाल मचा है वो तो आपने देखा ही देख लिया, और अब आपको मनोज झा का वो बयान भी हम सुनाते हैं जिस पर लगातार ही पूरा बवाल मचा हुआ है, आप सुनिए। हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव देश शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है।